एवरीवन नमस्ते। तो आज मैं फिर से ट्राई करने वाली हूँ कुछ इंटरनेशनल स्नैक्स जो मुझे मंचपैक ने भेजे हैं। उन्होंने पहले भी मुझे एक बॉक्स भेजा था $20 वाला, तो उसमें कुछ स्नैक्स थे, मैंने ट्राई करे थे, मुझे इतने कुछ खास नहीं लगे थे। कुछ तो फिर भी ठीक थे, पर ज़्यादातर मुझे इतने पसंद नहीं आए जो कैंडीज़ वगैरह थी। पर मेरे बच्चों को वो दे दिया और उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे सारे स्नैक्स। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं या अगर आपको बच्चों को गिफ्ट करना है ये बॉक्स, तो आप इस मंच पैक के लिए जा सकते हैं। इनके तीन तरीके के बॉक्स आते हैं, सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, तो आप इसे खरीद सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक और बात, मुझे पता है आप लोगों को मेरी लिपस्टिक थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, ब्लू कलर की लिपस्टिक, पर ये बेचारी पड़े पड़े डिप्रेस हो रही थी, मैंने सोचा एक बार इसे लगा ही लेते हैं। तो ये रहा ये बॉक्स, और एक्साइटमेंट में मैंने इसे पहले खोल दिया था देखने के लिए कि क्या क्या आइटम्स आए हैं इस बार। वैसे तो मुझे कुछ खाना नहीं होता है, पर रहता है ना कि देखना होता है कि क्या क्या आया है। और पिछली बार कुछ आइटम्स थोड़े से सौगी थे, तो मैं उम्मीद करती हूँ इस बार ना हो। बाकी पैकेजिंग वगैरह तो इनकी अच्छी होती ही है। और इस बार इंडिया का भी एक आइटम आया है कि ब्लू वाले लेस, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैंने काफ़ी महीनों से नहीं खाया है, तो ये भी मुझे खाने को मिल जाएगा इस बार। इसको मैं लास्ट के लिए बचा के रखती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे मुंह का टेस्ट गंदा होने वाला है, तो लास्ट में इसको मैं खाऊंगी। तो पहला आइटम है मेरे पास यहाँ ये पोलैंड का, तो ये है न्यूटेला बी रेडी फरेरो। मेरे ख्याल से ये लास्ट टाइम भी था, तो इसको खा के मैं देखती हूँ। पिछली बार थोड़ा सा सॉगी था, तो इस बार देखती हूँ कैसा है ये। तो इसके अंदर ये दो पैकेट्स हैं इस तरीके के, और एक और है इसके अंदर ये, तो मैं सिर्फ एक ही खोल रही हूँ और सिर्फ टेस्ट करती हूँ, सॉगी ना हो ये। तो इस बार का बहुत टेस्टी है, सॉगी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैंने इतना बड़ा पीस खा लिया, पिछली बार मैंने थोड़ा सा ही टेस्ट करा था, पर इस बार ज़्यादा फ्रेश है और टेस्टी भी लग रहा है। टेस्टी इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये सॉगी नहीं है, तो मुझे बहुत पसंद आया ये, अच्छा है ये। नेक्स्ट है ये फ्लेवर्ड फ्रूट टी, और ये ऑस्ट्रिया का प्रोडक्ट है। दिस इज टी केन फॉरेस्ट फ्रूट्स टी, फ्रूट टी विथ स्वीट रास्पबेरी एंड ब्लैकबेरी फ्लेवर्स। तो बेरी फ्लेवर है इसमें, और चाय तो खैर मैं अभी नहीं पीऊंगी, पर फ्रूट फ्लेवर है तो अच्छा ही होगा इसका टेस्ट, ग्रीन टी से तो बुरा टेस्ट नहीं ही होगा इसका। फिर नेक्स्ट है इसमें ये क्रैंकी कॉर्नफ्लेक्स, और ये मेक्सिको का प्रोडक्ट है। दिस इज क्रंची क्रिस्प कॉर्नफ्लेक्स कवर्ड विद मिल्क चॉकलेट। तो टेस्ट तो खैर मैं इसे कर ही सकती हूँ, क्योंकि हम कॉर्नफ्लेक्स को भी ऐसे ही खा जाते हैं, या जो चॉकोस वगैरह आते हैं उसको भी ऐसे ही खा जाते हैं, तो टेस्ट करके देखती हूँ कैसा है। अभी टेस्ट काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा मीठा है, तो बच्चों को बहुत ये पसंद आएगा। चौको से बेटर है ये, पर बहुत ज़्यादा मीठा है। फिर से बालूशाही आ गई, ये पिछली बार भी थी। दिस इज़ फ्रॉम रशिया, हैप्पी काउ क्रीमी वॉफल्स, सॉफ्ट एंड च्यूई बटर वॉफल्स विद रिच कैरेमल क्रीम फिलिंग। तो पिछली बार फिलिंग नहीं थी जो वॉफल्स आए थे, तो इसको मैं टेस्ट करके देखती हूँ कि ये कैसा है। पिछली बार वाली तो इतनी ज़्यादा सॉफ्टी हो गई थी ना, कि वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं बालूशाही खा रही हूँ, गंदी फ्लेवर की बालूशाही खा रही हूँ। तो अंदर से ये कुछ ऐसा है, और यहाँ पे इसकी ये पूरी क्रीम की फिलिंग है। थोड़ा सा इसे टेस्ट करती हूँ कैसा है ये। सौगी तो नहीं है इतना, तोड़ने पे तो खैर नहीं लग रहा है। पिछली बार वाले से ये काफ़ी बेटर है टेस्ट में भी और क्वालिटी में भी, क्योंकि ये सौगी नहीं है और अच्छा लग रहा है खाने में, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये। और एक और बात मुझे आपको बतानी है कि मुझे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देर वॉज अ टाइम व्हेन आई यूज टू लाइक चॉकलेट्स, केक मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, पर जब से मैं जिम जा रही हूँ और डाइट फॉलो कर रही हूँ, मुझे मीठे से नफरत हो गई है। मैं बिल्कुल नहीं खा पाती हूँ मीठा, मैं जैसे कुछ ज़्यादा मीठा खाऊं मुझे ऐसा लगता है मैं वॉमिटिंग कर दूंगी, तो मैं मीठा बिल्कुल नहीं खा पाती हूँ अब। तो ये भी हो सकता है कि मुझे ये स्नैक्स इतने ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे हैं। आप लोगों को पसंद आया अगर आपको मीठा पसंद है तो। इसके बाद है ये सार कैंडी डो, एंड दिस इज़ फ्रॉम चाइना। इस पर लिखा है दिस इज़ फेस ट्विस्टर सार कैंडी डो, मोल्डेबल ब्लू रास्पबेरी लेमन ग्रीन एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी सार कैंडी। तो जो भी इसमें कैंडीज है उसको आप मोल्ड भी कर सकते हो। तो देखिए ये बच्चों के लिए ही है, क्योंकि इन सब चीज़ों का हम क्या करेंगे, मतलब मेरे काम की तो नहीं है, पर अगर आप लोगों को ये पसंद हो ऐसी कैंडीज़ के साथ खेलना, तोड़ मड़ोड़ करना, इनकी ड्राइंग बनाना, तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। तो इसको भी मैं टेस्ट कर लेती हूँ, पर मुझे पता है इसका टेस्ट मुझे बेकार ही लगेगा, क्योंकि ये सार कैंडी सारी एक ही टाइप की लगती है। तो उसकी फ्रेग्रेंस तो च्युइंगम की तरह लग रही है, एक आती थी ना कौन सी बुबालो,
तो वैसे ही लग रही है क्योंकि अलग अलग फ्लेवर्स की आती थी ना वो स्ट्रॉबेरी में या ग्रीन एप्पल में, तो वैसा ही इसमें से सेंट आ रहा है। और ये कौन सा है, ये लेमन फ्लेवर है और ये ग्रीन एप्पल है, ये है यहाँ ब्लूबेरी और रेसबेरी, चार ही निकले, इन्होंने तो लिखा है पाँच है इसमें। दिस इज़ ब्लू रेसबेरी, नहीं नहीं, तो ये ब्लू रेसबेरी है, दिस इज़ स्ट्रॉबेरी और ये ग्रीन एप्पल और ये लेमन है। तो ये ना देखो कैसे इधर उधर ऊपर नीचे हो रहा है, तो क्ले की तरह जैसे चिकनी मिट्टी होती है उस तरीके से आप इसे मोल्ड कर सकते हो। और इसको मैं टेस्ट नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है इसका टेस्ट कैसा होगा, खट्टा मीठा सा होता है, तो बच्चों को ही देना ज़्यादा ठीक रहेगा ये। फिर नेक्स्ट है ये स्लैब्स लॉलीपॉप और ये मेक्सिको का आइटम है और इन्होंने कुछ लॉलीपॉप के डिज़ाइन में से बनाया है क्योंकि ऊपर ये खाने का है, नीचे कुछ ये स्टिक्स लगी हुई है, तो लॉलीपॉप जैसा इसको बना दिया है। और दिखने में तो मुझे ये आम पापड़ी जैसा लग रहा है और इस पर लिखा भी हुआ है थिन एंड फोल्डेबल मैंगो फ्लेवर्ड लॉलीपॉप्स, तो बिल्कुल टेक्सचर इसका आम पापड़ी के जैसा है। तो आम पापड़ी तो हमारे यहाँ हर छोटी छोटी दुकानों पे मिल ही जाती है और काफ़ी लोगों ने खाई भी होगी। इसे थोड़ा सा टेस्ट करके पर मैं देख लेती हूँ कि ये सही में आम पापड़ी है कि नहीं। इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग पैकेट्स है, शीट्स टाइप में दे रखी है ये आम पापड़ी, तो इसमें 3, 4, 5, 6, 7 शीट्स है इसमें। और एक मैं निकाल के टेस्ट करती हूँ कैसा है, तो निकालने पे ये कुछ ऐसा लग रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा पतला है, आम पापड़ी तो थोड़ी मोटी होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा पतला है। पता नहीं कैसा होगा टेस्ट में, ये खाया भी जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये तो पूरा चिपका हुआ है, कैसे मैं खाऊं इसे। इसको मैं पूरा तो नहीं निकाल रही हूँ, यहाँ पे जो ये लगा हुआ है इसको निकाल के थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ कैसा है। बहुत चिपचिपा है ये, दांतों में चिपक रहा है ये बहुत ज़्यादा, हाथों में भी चिपक रहा है, मुझे निकाल निकाल के अपनी ऐसे फिंगर्स पे चिपक ही गया है ये मेरे। एग्जैक्टली आम पापड़ी तो नहीं है पर मैंगो बाइट जैसा टेस्ट है, पर बहुत ज़्यादा चिपचिपा है और मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी, मेरे दांतों में हाथों में हर जगह चिपक रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके बाद है इसमें ये पोटैटो चिप्स का पैकेट जिसकी पूरी हवा फुस हो चुकी है, बिल्कुल भी एयर नहीं है इसमें, तो पता नहीं ये पोटैटो चिप्स क्रिस्पी होंगे भी कि नहीं। और इसमें लिखा हुआ है रैप स्नैक्स और हनी एलोपिनो फ्लेवर के है ये, तो इसे खा के देखती हूँ क्या खाने के बाद मैं रैप करने लगूंगी। ये पिछली बार भी आए थे शायद, ऐसे है ये दिखने में और हाँ इसमें हनी और एलोपिनो का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है पर अच्छा लग रहा है, तो ये भी टेस्टी है। और वो रैप चिप्स यूएसए के है। और नेक्स्ट आइटम है यहाँ मेरे पास, ये कुछ बिस्किट्स लग रहे हैं क्रैक एंड जैक की तरह, ये है गिजी सिजी, क्या इन्होंने थोड़ा ढंग से लिखते तो मैं पढ़ पाती, गिजी लिखा है शायद ये, दिस इज़ उल्केर गिजी क्रैकर चीज़ क्रैकर, क्रंची एंड लाइटली सॉल्टेड चीज़ फ्लेवर्ड क्रैकर्स, ये टर्की के है, तो चीज़ क्रैकर्स है ये हमारे यहाँ भी मिलते हैं, तो इसको मैं टेस्ट करके देखती हूँ कैसा है। अंदर से ये टूट फूट गए हैं और इतना सही मैं टेस्ट करती हूँ, जैसा हमारे यहाँ चीज़ क्रैकर्स होते हैं वैसा ही है ये, थोड़ा सा इसमें मैरी गोल्ड का भी फ्लेवर आ रहा है, ऊपर थोड़ी सी चीनी भी लगी हुई है, तो ये मैरी गोल्ड चीज़ क्रैकर और क्रैक एंड जैक का मिक्स है, जो ये काफ़ी पसंद आए, ये इतने ज़्यादा मीठे भी नहीं हैं और इतने सॉल्टी भी नहीं हैं, तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है कुछ भी इतना एक्सट्रीम में हो, तो बिल्कुल परफेक्ट है ये, उसका टेस्ट मुझे काफ़ी पसंद आया। फिर से इसके अंदर एक सार कैंडी का पैकेट है और ये है साउथ कोरिया की, खैर नॉर्थ कोरिया से तो कुछ आ भी नहीं सकता है, और ये है कोरियन में कुछ लिखा हुआ है, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ ये क्या, इसमें जो भी इसकी ये स्क्रिप्ट है सब कोरियन में लिखा है, नहीं पढ़ सकती मैं, नीचे लिखा हुआ है पर इंग्लिश में, दिस इज ओरियन सुपर सार कैंडी स्वीट ग्रीन एप्पल फ्लेवर कैंडी विद अ सुपर सार फ्लेवर इन दी सेंटर, तो ये भी बुबालों की तरह ही होगी, जैसे च्युइंगम होती थी ना और बीच में फ्लेवर रहता था, जेल रहता था, तो कुछ वैसा ही होगा। और एक निकाल के मैं टेस्ट करती हूँ, हाँ तो इसके अंदर बहुत सारी इस टाइप की कैंडीज दे रखी है, हाँ ये कुछ ऐसा ही है, ये च्युइंगम जैसा है बाहर से जिसको आप खा भी सकते हो और इसके अंदर होगा बीचों बीच कुछ फ्लेवर होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट बुबालों की तरह। मैं जब स्कूल में थी ना तो मैं बहुत ज़्यादा बुबालो खाती थी और
बिल्कुल सेम टेस्ट है इसका, और जो चबाने पे भी लगता है ना जैसा बाहर से च्युइंगम जैसा, जिसको आप पूरा खा भी सकते हो, बिल्कुल सेम चीज़ है ये। लास्ट आइटम है इसमें ये च्युइंगम का पैकेट, और ये ताइवान की है, और ये ताइवान चाइना कोरिया वाले इतनी च्युइंगम क्यों बनाते हैं ये खट्टी मीठी कैंडीज़, और इस पर लिखा है च्युई गमी लाइक ग्रेप फ्रूट फ्लेवर्ड कैंडीज, तो ये भी कुछ खट्टी मीठी च्युइंगम कैंडी होगी। तो इसके अंदर इस टाइप से छोटी छोटी गम्स दे रखी थी, तो एक मैं ये टेस्ट करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा खाने के बाद मैं इसे फेंकने वाली हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं प्लास्टिक चबा रही हूँ, मैं मीठा प्लास्टिक चबा रही हूँ। फ्लेवर तो इसमें आ रहा है बहुत ज़्यादा ग्रेप फ्रूट का, मेरे बस की नहीं है पर ये सब खाना, बच्चों के लिए ठीक है। फिर है मेरे पास यहाँ ये ब्लू लेस जो मैंने आखिर के लिए बचा के रखे थे, क्योंकि मेरे मुँह का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो चुका है, खट्टा मीठा हो गया है, तो अब इसे खा के ठीक कर लेते हैं, क्योंकि ईस्ट टू वेस्ट ब्लू लेज इज़ द बेस्ट और ग्रीन वाले से बेटर होते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों को मज़ा आया होगा इसे देखने में तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करेगा, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इट लेज, और ज़्यादा मत खाना, मैं तो 6 महीने बाद खा रही हूँ, कम खाना हेल्थ के लिए इतना ठीक नहीं होता। सो आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।